भाई आजकल जिसे देखो तर्गो तर्गो कर रहा है। गाड़ी में सबको टर्बो इंजन चाहिए, लेकिन काफी कम लोगों को पता है ये होता क्या है। एक नॉन टर्बो इंजन जिसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कहा जाता है। अब ये टर्बोचार्ज इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड से कैसे अलग है और कौन सा बेहतर है वो सब आगे देखेंगे। उससे पहले इंजन को समझते हैं। तीन टाइप के इंजन होते हैं, एक होता है नेचुरली एस्पिरेटेड, एक होता है टर्बोचार्ज और एक होता है सुपरचार्ज। लेकिन सुपरचार्ज के बारे में आज बात नहीं करेंगे, अभी के लिए नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज ही समझते हैं, क्योंकि इंडिया में मोस्टली यही मिलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक गाड़ी के सांस लेने का तरीका होता है। गाड़ी में एयर फिल्टर के थ्रू कंबशन एरिया में जाती है, एयर फ्यूल मिक्सर अंदर आता है, कंप्रेस होता है और पिस्टन काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बची हुई एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाती है। ये होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब जितनी ज़्यादा एयर पिस्टन तक पहुँचेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके लिए होता है टर्बोचार्जर। नेचुरली एस्पिरेटेड में पूरा फ्यूल यूज नहीं होता, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है। टर्बोचार्ज में एग्जॉस्ट एयर पार्टिकल से टर्बो के अंदर की टर्बाइन घूमती है और हॉट एयर बाहर निकलती है। अब उसी टर्बाइन के साथ एक कंप्रेशन व्हील जुड़ा होता है जो एयर को अंदर की तरफ खींच के कंप्रेस करता है। अब कंप्रेस की हुई हवा गर्म होती है तो वो जाती है इंटरकूलर में, वहां एयर ठंडी होकर फिर से कंबशन एरिया में जाती है। अब जितनी ज्यादा एयर मिलेगी उतना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतना ज्यादा पावर मिलेगा, जिससे कम आरपीएम पे भी ज्यादा पावर मिल सके। तो ये होता है टर्बोचार्ज इंजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।